अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आजमगढ़ मामले को लेकर प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा पर हुई एफआईआर को लेकर आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जितनी भी मुकदमे लगाए गए वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, जिसको लेकर आज पुलिस अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और यूपी विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे के खिलाफ आज प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में कांग्रेसी प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा के ऊपर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिला व महानगर इकाइयों को यह निर्देश दिया गया है कि लालगंज में गरीब कल्याण मेले में हुआ जो विवाद, उस विवाद को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार किस तरीके से विरोधी दल नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। प्रतापगढ़ में जिस तरह वहां के शासन और प्रशासन ने प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा को उत्पीड़ित करने का काम किया है, उनके खिलाफ फर्जी सांसद महोदय के कहने पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, उन एफआईआर को ये सरकार वापिस ले और उसकी प्रॉपर वे में जांच कराए। इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रमोद तिवारी जी और मोना मिश्रा जी के पक्ष में और इस सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर वापस नहीं लेते हैं तो क्या इसके अलावा कोई और बड़ा प्रोटेस्ट? निश्चित तौर पे आज पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पे हो रहा है। इसके बाद हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी बैठ के तय करेगी कि इसके बाद हमको क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सभी जनपदों में आज माननीय प्रमोद तिवारी जी और आराधना मिश्रा मोना जी सहित तमाम कांग्रेसजनों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, सरकार के सारे पर उनकी छप धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस की छप धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में महामहिम राज्यपाल जी को मैंने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि न्यायिक जाँच हो और मुकदमे अविलंब वापस हो, नहीं तो कांग्रेस जन जाग उठा है प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में इसका आंदोलन होगी और फर्जी मुकदमे वापस करने का लिए आंदोलन चलाया जाए। ये एक फर्जी साजिश है आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के खिलाफ। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, इसमें प्रमोद तिवारी जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए, और ये प्रशासन इतना घटिया है कि इसने अपने लोग वहाँ पर इकट्ठा करके और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा डाला गया है, जिसका यूथ कांग्रेस और मेन बॉडी साथ मिलकर पूरा, अगर ये एफआईआर वापस होती है, नहीं होगी तो हम पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन तक इस पर जाएंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभासाक्षी, लखनऊ।